अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 62 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे पैरेलल का क्या फंक्शन होता है ज्योमेट्रिक में। मेन हमने इससे पहले जो काम किया था ज्योमेट्रिक में, आपने जो ज्योमेट्रिक टैब था पैरामेट्रिक्स के ऊपर, ज्योमेट्रिक टैब के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में आज हम पैरेलल के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके अलावा परपेंडिकुलर के ऊपर डिस्कस करेंगे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, इन चार चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेसन में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था और उम्मीद है कि आपको वहाँ तक समझ आया होगा। आज के लेसन की तरफ चलते हैं और आज के कुछ मजीद जो कमांड इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो यूसीएस आइकन है इसको यूसी एंटर करके डिस्प्ले ओरिजिन पॉइंट पर लेके जाता हूँ इसको। तो पहले हमने ज्योमेट्रिक टैब में के अंदर हमने ये वाले ऊपर वाले चार फंक्शन पढ़े थे। फिक्स का फंक्शन पढ़ा था, कॉन्स्टेंट का फंक्शन पढ़ा था, कोलिनियर का फंक्शन पढ़ा था और कॉन्सिडेंट का फंक्शन पढ़ा था। आज के लेसन में हम देखेंगे पैरेलल का क्या फंक्शन है, परपेंडिकुलर का क्या फंक्शन है, हॉरिजेंटल का क्या फंक्शन है एंड वर्टिकल का क्या फंक्शन है। ओके, तो पैरेलल का फंक्शन ये होता है कि आप कि अगर कोई भी दो लाइन है उनकी, चाहे किसी भी साइड पर उनकी शेप मुड़ी हुई हो, तो आप चाहते हैं कि वो एक दूसरे को पैरेलल हमेशा रहे। पैरेलल का फंक्शन है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, हमेशा पैरेलल रहें, एक दूसरे के आमने सामने रहें। तो उसके लिए आप पैरेलल का फंक्शन यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई दो लाइन इधर ड्रॉ करता हूँ, एंटर एंटर, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट करिए और ये इसको इंटरसेक्ट करिए और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो फंक्शन है इसका, क्योंकि ये सारा का सारा ज्योमेट्रिक से रिलेटेड है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक दूसरे को हमेशा, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो आप उसके लिए देखें पैरेलल का फंक्शन यूज़ करें। अब अपनी लाइन को क्लिक करें, आप चाहते हैं ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो तो आप इसको सिलेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं नहीं ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो तो आप इसको सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेकेंड जो है ऑब्जेक्ट उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो देखें एक दूसरे की ये क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल पे हो गए। अब मैं इसको मूव करूँगा तो दोनों दोनों जब भी मूव होंगे, अब मैं इसको देखें जिस साइड पर भी लेके जाता हूँ तो ये हमेशा पैरेलल होंगे। अब मैं इसको मूव करूँगा यहाँ से तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो यहाँ पर मूव कर रहा हूँ दूसरा भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर इसको मूव करता हूँ, एक दूसरे को पैरेलल है, इसका साइज बढ़ाता हूँ, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। देख सकते हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे के ये पैरेलल रहेंगे। अब ये जो है इनको मैंने हाइड कर लिया था, तो अब शो करना चाहे तो आप यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करेंगे, शो हो जाएगा, और हाइड करना चाहे तो हाइड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे शो रखता हूँ इसको। ओके, तो ये था जी पैरेलल का फंक्शन था, आप इनको सिलेक्ट करके अब डिलीट करते हैं। पैरेलल के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, मीन एक दूसरे के उलट रहें, अगर एक पैरेलल है दूसरा उसके परपेंडिकुलर रहे, एक दूसरे को ये हमेशा इंटरसेक्ट करें, तो उसके लिए आप परपेंडिकुलर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप यहाँ से, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एल एंटर, और इन दोनों लाइन को एक दूसरे के पैरेलल ही रखता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरे के पैरेलल है, मैं चाहता हूँ कि आप ये पैरेलल ना हो, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें, परपेंडिकुलर के फंक्शन पे आप अपनी एक लाइन को सिलेक्ट करें, दूसरी लाइन को सिलेक्ट करें, तो देखें ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मूव करता हूँ, तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। देखें मैं इसका, मैं आप देखें यहाँ से अगर इसको मूव करता हूँ किसी भी लाइन को, मैं अगर इसको फॉर एग्जाम्पल मूव करता हूँ यहाँ से इसको, देखिए दूसरी मूव हो रही है, मैं इसको मूव जैसे भी करता रहूँगा ये मूव हो जाएगी। मैं इसको बिल्कुल पैरेलल करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं, ये फिर भी ये मूव हो गया एक दूसरे की, तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। तो ये पैरामेट्रिक्स का फंक्शन है परपेंडिकुलर का, कि आप परपेंडिकुलर का फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हो। परपेंडिकुलर के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपके पास यहाँ पे हॉरिजेंटल, आप चाहते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के हमेशा हॉरिजेंटल रहे, तो आप हॉरिजेंटल का फंक्शन यूज कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करता हूँ, अब इन दोनों को हॉरिजेंटल एक दूसरे करना चाह रहा हूँ, तो मैं हॉरिजेंटल का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए इसके हॉरिजेंटल आ गई है।
हॉरिजेंटल इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल इसके हॉरिजेंटल आ गई लाइन। तो हमेशा हॉरिजेंटल, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अभी हॉरिजेंटल नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये भी बिल्कुल हॉरिजेंटल होगी। तो जब भी कोई लाइन वर्टिकल होगी या किसी भी शेप में होगी आप उसको हॉरिजेंटल करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एंगल में ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये देखें इस एंगल में ड्रॉ किया लाइन, या फिर मैं इसको यहाँ से इस एंगल वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये भी हॉरिजेंटल हो जाए, ये भी हॉरिजेंटल हो जाए, तो आप यहाँ से हॉरिजेंटल का फंक्शन अप्लाई करें, क्लिक करें, देखिए हॉरिजेंटल होगी। अब इसको भी हॉरिजेंटल करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये भी हॉरिजेंटल हो जाएगी। तो अगर आप वर्टिकल करना चाहें तो आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो वर्टिकल का नेक्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लाइन जो है तो ये हमारे पास, ये मेरे पास एक लाइन है ये हॉरिजेंटल है, ये वाली मेरे पास लाइन है ये किसी एंगल पे है, ये ना वर्टिकल है ना हॉरिजेंटल है लेकिन किसी स्पेसिफिक एंगल में ड्रॉ की हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइन जो है तो ये वर्टिकल हो जाए तो आप यहाँ पे वर्टिकल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल पे क्लिक करें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ये वर्टिकल हो गई है। अब मैं ये जो हॉरिजेंटल लाइन पड़ी है इसको मैं चाहता हूँ ये वर्टिकल हो जाए तो आप सिलेक्ट करें यहाँ पे, तो देखें ये भी वर्टिकल हो जाएगी, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी। अब ये किसी भी एंगल में होंगी तो हमेशा वर्टिकल रहेंगी। और अगर आप हॉरिजेंटल करना चाहें, आप इसी को हॉरिजेंटल करना चाह रहा हूँ मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये हॉरिजेंटल होगी कि नहीं, नहीं हो रही, क्योंकि एक की ज्योमेट्रिक फंक्शन के ऊपर दो दो ज्योमेट्रिक फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकते। इसके लिए आप अलग से लाइन लें, ये लाइन ली, अब इसको मैं वर्टिकल करना चाह रहा हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वर्टिकल हो गया। ओके अब इसके ऊपर दूसरा मैं ज्योमेट्रिक ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकता। ओके तो ये था आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल का फंक्शन, क्या आप अपनी लाइन को हॉरिजेंटल कैसे कर सकते हैं, वर्टिकल कैसे कर सकते हैं और इसमें ज्योमेट्रिक फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आए होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।